आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं भोपाल से मृणाल थॉमस आप सभी का इस पेज पर फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं परमेश्वर पिता ने आप सबों को बहुतायत की आशीषों से मामूर किया होगा और हम सब कुशल से होंगे। और आइए हम आज की इस लाइव डिवोशन को परमेश्वर के नाम से प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक में मिलने दिया और एक और मौका दिया कि हम इस सांझ की बेला में आपके नाम के निमित्त हम इकट्ठे होने वाले हो सके। और परमेश्वर पिता, इस ऑनलाइन आराधना के थ्रू आपके नाम की महिमा और आपके गीतों की संगति और वचन की मनादी के लिए हम प्रकट हुए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, इस पूरी लाइव सेशन को आपके हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर पिता, कोई भी रुकावट इस लाइव सेशन के बीच में ना आने पाए, नेटवर्क स्टेबल रहे, लाइट रहे परमेश्वर पिता, और जो कुछ भी अड़चने हैं वो इस लाइव डिवोशन के टाइम पे बीच में रुकावट का कारण ना बनने पाए। हे परमेश्वर पिता, सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जितने बीमार हैं उन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि वे जहाँ भी पाए जाते हैं, हॉस्पिटलों में या घरों में या नाना प्रकार के स्थानों में, तो परमेश्वर पिता उनके ऊपर आपके चंगाकारी हाथ को हम उनके जीवनों पर मांगते परमेश्वर पिता, ताकि वे जल्द से जल्द चंगे होने वाले हो सके और आपकी महिमा के लिए आपके भवन में जाकर आपके नाम की उस गवाही के रूप में खड़े होने वाले हो सके, ताकि और लोग भी आपकी उपस्थिति में और आपकी निकटता में आने वाले हो सके। तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये गीत आप सबों को आते होंगे। आइए हम परमेश्वर की आराधना में कुछ गीतों के द्वारा हम संगति करेंगे। चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से कृपा,
यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ए खुदा, तेरी महिमा करता रहूं ए खुदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। गाती रहे अब सदा जिंदगी, जब से है छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा बन राय जैसे फिर से खुल गई, जब से है छुआ तूने मुझे नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा बंद राह जैसे फिर से खुल गई, तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई, तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई, तेरी जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी
जिंदगी। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी हालेलुया। आए मेरे प्रियो, एक और गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कहे मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद
सद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर बढ़ूं कि मैं देखूं तेरी सलीब को खींचा, मैं जाऊं कि मैं देखूं तेरी सलीब को खींचा, जीवन का मकसद तू है, जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, अब हम कुछ देर वचन के ओर हम जाएंगे, और जो वचन आज परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखा है उस वचन की ओर हम कुछ देर उसमें हम मनन और चिंतन करेंगे। और आइए हम वचन में जाएंगे, जो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत से लेकर आठवीं आयत तक, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगी। परमेश्वर आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, ये एक इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट हम बहुत बार हम पढ़ते हैं और भिन्न भिन्न प्रचारकों के द्वारा इस पैसेज के ऊपर बहुत ही बार मनन और चिंतन होता है, लेकिन आइए अब हम कुछ देर इस वचन में जाएंगे। इसमें हम जब देखते हैं कि एक कॉन्वर्जेशन होता है जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो
जो कन्वर्जेशन होता है वो यीशु मसीह और उनके चेलों के बीच में होता है, जिसमें यीशु मसीह कुछ बातों को बताते हैं, लेकिन जो उनके चेले हैं वो कुछ और बातों को उनसे पूछते हैं। ये एक स्वाभाविक स्वभाव है एक मनुष्य का। यहाँ यीशु मसीह 40 दिन तक उनसे उनके साथ रहे और उनसे परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते रहे। पुनरुत्थान के बाद 40 दिन और इसके पहले, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, इससे पहले जब यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई कर रहे थे, उनकी जो 3.5 बरस की सेवकाई थी उसमें वे उनके साथ थे, वो 12 चेले उनके साथ थे। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह उनके साथ थे और यीशु मसीह जब उन्हें सिखाते थे, तो वे अपने चेलों से परमेश्वर के राज्य के बारे में ही बात करते थे। हमने बहुत सारे पैसेजेस में से पढ़ा है कि यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात करते थे तो वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं। और यहाँ भी यीशु मसीह उनका स्वर्गारोहण होने का समय निकट आ गया था और यीशु मसीह उनसे बात करते हैं, उनके चेलों से, कि उनसे कि परमेश्वर का राज्य। यहाँ हम देखते हैं कि जब बात कर रहे हैं यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज वास्ट इनफ, जो बहुत बड़ा है। लेकिन इन रिस्पॉन्स जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं वे अभी तक एक छोटी सी बात पर अटके हुए थे कि प्रभु क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? यहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि अनंत काल का राज्य है, जो पृथ्वी की सृष्टि के पहले से जो परमेश्वर ने जो स्थिर कर रखा था वो राज्य की के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ चेलों की जो समझ है वो एक लिमिटेड राज्य के बारे में बात करती है, जो कि है इज़राइल के बारे में, कि क्या तू इज़राइल को वो राज्य फेर देगा। जब हम देखते हैं पुराने नियम में, जब यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां हुई थी, जितनी भी भविष्यवाणियां हुई थी वो बताते थे, उनके बारे में जिक्र था कि वे राजा दाऊद का जो राज है वो प्रभु यीशु मसीह के कंधों पर होगा। और यीशु मसीह जो इज़राइल से जो उनका राज्य छीन चुका था, जो रोमी साम्राज्य ने उनसे इज़राइलियों से जो अधिकार ले लिया था, वो यीशु मसीह उनको वो अधिकार वापस देंगे जब यीशु मसीह आएंगे। तो उनका जो था वो एक लिमिटेड था, उन्होंने वहां अपनी लिमिट बताई कि हम इस तक ही सोच सकते हैं। उनने अपना दायरा बहुत छोटा करा। यहाँ यीशु मसीह जो है वो पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक अपने चेलों से बात करते हैं और वे सिर्फ जिक्र करते हैं परमेश्वर के राज्य का, जो अंतहीन राज्य है। यीशु मसीह उनको वो बिग पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ चेलों की जो समझ है वो सुई जो है वो एक जो चित्र उनके सामने जो प्रदर्शित किया गया था, यीशु मसीह ने जो जो चमत्कार किए थे, जो जो बातें करी थी, उन सब से हटकर उनकी जो सोच थी वो एक संकीर्ण सोच थी।
आज जब हम इस दौर से गुजर रहे हैं जो हम देखते आते हैं कि बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं, जो प्रकाशित वाक्य में जो बातें लिखी हुई हैं, वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। वो धीरे धीरे एक एक करके वो भविष्यवाणियां सारी पूर्ण हो रही हैं। तो हमने एक पिक्चर बना ली कि अब प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हजारों सालों से ये बात चल रही है, ये भविष्यवाणियां हो रही हैं कि यीशु मसीह अब आएंगे, यीशु मसीह अब आएंगे, अब परमेश्वर का राज्य निकट है, अब परमेश्वर का राज्य निकट है। तो हम जो हैं वो उस राज्य के बारे में ही सोचकर हम चिंतित रहते हैं, लेकिन हम उस बारे में कभी नहीं सोचते कि जो चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं वो कितनी ही सुहावनी होंगी। हम जो हैं वो एक लिमिटेड दायरे में ही बंधे हुए रहते हैं। हमारे सांसारिक जीवन में भी हम एक दायरे में बंध जाते हैं, हम अपनी सोच को एक दायरे में सेंटर्ड कर लेते हैं, हम अपनी सोच को बहुत संकीर्ण कर लेते हैं। अगर परमेश्वर हमें कुछ बताता है, अगर परमेश्वर हमसे कुछ बात करते हैं जो बहुत ही सारे माध्यमों के द्वारा परमेश्वर बहुतायत से हम लोगों से बातचीत करते हैं, अनेकों अनेकों प्रकार से परमेश्वर पिता हमसे बात करते हैं, और वो हमें अपनी लिमिट से बाहर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। परमेश्वर जो है वो हमें द बिग पिक्चर, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए बोलते हैं, लेकिन हम एज अ ह्यूमन हम जो है वो परमेश्वर को अपनी सोच में केंद्रित करना चाहते हैं। हम परमेश्वर को एक बॉक्स में केंद्रित करना चाहते हैं। जितनी हमारी समझ है उसमें हम परमेश्वर को ढालना चाहते हैं, और हम कई बार परमेश्वर को उस सोच में ढालते हैं। हम अपनी सोच के अनुसार पॉसिबिलिटीज को हम सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे कार्य करेगा, परमेश्वर ऐसे कार्य करेगा, परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसे कार्य किया है तो हमारे भी जीवन में परमेश्वर ऐसे कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनका स्वर्गारोहण होने को है और परमेश्वर का पुत्र खुद उनसे बात कर रहा है परमेश्वर के राज्य के बारे में। ही इज टॉकिंग अबाउट द डोमिनियन ऑफ द लॉर्ड, और वो सिर्फ इज़राइल के बारे में ही सोच रहे कि क्या तू इज़राइल को अपना राज्य वापस फेर देगा। हम भी परमेश्वर के साथ कई बार ऐसे ही करते हैं। नीति वचन 3:6 हम में से हर एक को बखूबी आता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और लेकिन हम जो हैं हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हम उस अंतहीन परमेश्वर पर जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको एक सीमित दायरे में बांधना चाहते हैं, और हम परमेश्वर को उसी दायरे में बांध देते हैं। जब हम बात करते हैं जो
स्टार्टिंग से जो है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम कुछ देर उस पर बात करेंगे। जो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 15वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहां परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर ने आदम की रचना करी, और उसकी दूसरे अध्याय की इसके पहले की आयतों में जो वर्णन है कि कैसे परमेश्वर पिता ने आदम की रचना करी, कैसे परमेश्वर ने आदम को के अंदर अपना श्वास भरा, और उस श्वास के द्वारा परमेश्वर जो है वो आदम को जीवित करते हैं। और उसके बाद 15वीं आयत से परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। जब हम ये इन आयतों को पढ़ते हैं तो क्या हमारे जहन में ये नहीं आता कि ये अदन की वाटिका क्या आदम के जहन में थी? आदम को पता था उस अदन की वाटिका के बारे में? आदम को तो परमेश्वर ने मट्टी में से रचा, उसके अंदर श्वास फूंकी और उसको अदन की वाटिका में ले जाकर रख दिया। आदम को पता भी नहीं कि वो अदन की वाटिका है भी या नहीं। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका की रचना करी तब आदम था ही नहीं। परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में आदम को रख दिया। जब हम यिर्मयाह के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे रचने से पहले ही मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरी रचना होने से पहले, तेरी माता के गर्भ में तुझे रचने से पहले ही मैं तुझे जानता हूं। जब परमेश्वर ने हमें हमारे एक परिवार में हमें रखा है, वो परिवार के बारे में हमें पहले से पता नहीं था, हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें इस पृथ्वी के बारे में नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर को पता था। जब हमें ये नहीं पता था कि हम कैसे घर में पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, कहां पैदा होंगे, तो हम कैसे परमेश्वर को एक अपनी सोच के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। यहाँ अदन की वाटिका जब हम देखते हैं, जब हम इमेजिन करते हैं, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर ने उसको रचा था। उस आदम की वाटिका को रचने के बाद ही परमेश्वर ने आदम को उस अदन की वाटिका में रखा, और साथ में परमेश्वर ने उसी अदन की वाटिका के बीचों बीच एक पेड़ को लगाया। दो चीजें परमेश्वर ने अपने हाथों से उस अदन की वाटिका में रखी, एक आदम और दूसरा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का पेड़। ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का मतलब आज हमारी सोच है,
हम जो हैं वो परमेश्वर को भले और बुरे में हम ढाल देते हैं। हम परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से भरोसा नहीं करते। यहाँ परमेश्वर आदम को स्पष्ट रूप से मना करता है कि तू उस पेड़ के फल को मत खाना, तू सब कुछ करना, देखो जो जो पेड़ का फल खाना है, देखो जो पसंद आया तू उसको खाना, उसको पीना, यहाँ टहलना वहां टहलना, तेरे जो जो मन में आए वो सब करना, लेकिन उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तू मत चखना। दैट इज समथिंग विच गॉड केप्ट फॉर हिमसेल्फ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम परमेश्वर को अपनी सोच में ढाल देते हैं तो इनडायरेक्टली जो पाप या जो अनाज्ञाकारिता आदम ने करी, हवा ने करी, वही गलती हम और आप रोज करते हैं। ये भला है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये हुआ हमारे साथ, ये अच्छा हुआ, ये हुआ हमारे साथ, वो बुरा हुआ, ये ऐसा होना था, ये वैसा होना था, मेरे को ऐसा करना था, मेरे को ऐसा नहीं करना था, परमेश्वर को ऐसा करना था, परमेश्वर को वैसा नहीं करना था। हम इसी में ही उलझ जाते हैं अपने जीवन में, जबकि वचन हमसे स्पष्ट रूप से कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। जब हम आगे की आयतों में जाते हैं तो 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और इसके तुरंत बाद परमेश्वर क्या करते हैं, हवा को उसके जीवन में लाते हैं। बूम, नहीं, आगे की आयत में कुछ और कहता है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। सब भांति के, सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। ये क्या थे, ये पशु क्या थे, क्या सब आदम जैसे थे? नहीं, सब भिन्न भिन्न प्रकार के थे। अगर मैं थोड़ा सा डीप जाऊं तो ये जो है, ये आदम का पहला परिवार था, जिसे हम परिवार कहते हैं। परमेश्वर ने भी हमें एक अदन की वाटिका में रखा है, और हमें रखने के बाद एक फर्स्ट स्टेप है कि वो हमारे जीवन में कुछ लोगों को हमारे जीवन में लेके आया। और अगर मैं थोड़ा डीप जाऊं तो वो हैं हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न जातियों के लोग, भिन्न भिन्न समाज के लोग। उन सब को परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आया, जिन्हें हम ने उनका नाम रखा, उस नाम से उनको पुकारते हैं,
माता पिता भाई बहन चाचा चाची बुआ पप्पा जी मौसा मौसी मामा मामी नाना नानी दादा दादी सो एंड सो एंड सो। आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा डीप आज प्रचार कर रहा हूँ। दिस वॉज एडम्स फर्स्ट फैमिली। ये परमेश्वर ने जो आदम के पास लेके आया वो यही उसका पहला परिवार था, ताकि परमेश्वर आदम को सिखाए क्या कि कुछ चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, उनको उसके साथ जीना सीखना है। ये बहुत लंबा मैसेज है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं। अतः आदम ने सब 20वीं आयत, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। वो सारे जानवर भिन्न भिन्न प्रजाति के थे, भिन्न भिन्न प्रकार के थे, लेकिन उनमें से कुछ भी उस आदम के समान न था। उसका उसके साथ कोप अप करने वाला, उसके साथ उसकी सहायता करने वाला कोई न था। 21वीं आयत, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। बहुत स्ट्रेंज चीजें परमेश्वर करता है अपने लोगों के लिए। आदम को पता भी नहीं था कि हवा नाम की कोई चीज भी है, हवा नाम की कोई कोई प्राणी भी है। उसके पहले परमेश्वर ने उससे उसे कुछ और चीजों से और कुछ और प्राणियों से इंट्रोड्यूस किया। आदम ने सबके नाम रखे, परंतु उससे मेल खाने वाला कोई सहायक न मिला उसे। उसके बाद परमेश्वर बूम हवा को ले आया। नहीं, परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। नींद, सुकून। आज हम लोग क्या चाहते हैं अपने जीवन में? सुकून, कि सुकून की नींद मिल जाए हमें। कुछ पल हमें नींद मिल जाए। कई लोग दवाइयां खाते हैं नींद आने के लिए। कई लोगों को नींद नहीं आती है तो उनका बीपी शुगर सब कुछ फ्लक्चुएट होने लगता है, उनको तमाम चीजें हो जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर हो जाती है, और भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उन्हें रोगों से वो ग्रसित हो जाते हैं। नींद बहुत जरूरी है। आदम दिन रात मेहनत करता था उस अदन की वाटिका में, क्योंकि यही कार्य परमेश्वर ने आदम के लिए रखा था। पंद्रहवीं आयत में, तब यह परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। काम करे और उसकी रक्षा करे। इस आयत तक आते आते आदम चाचे आदम को पता ही नहीं था कि नींद भी कोई चीज होती है, सुकून भी कोई चीज होता है। यहां परमेश्वर जो उसके लाइफ में इंट्रोड्यूस करता है वो है नींद, रेस्ट।
जो आज हम सब चाहते हैं कि हमें मिले, रेस्ट। अगर परमेश्वर आपको रेस्ट दे रहे हैं तो यकीन मानिए परमेश्वर आपसे बहुतायत का प्रेम करते हैं। हमें आज बहुत छोटी सी चीज लगती है कि नींद सो गए या कुछ हो गया, नींद हो गई, 8 घंटे की नींद सफिशियंट है। नो, भारी नींद जरूरी है हमारे इस सिस्टम को अच्छे से कार्य करने के लिए। अगर मैं बहुत जल्दी जाऊंगा, तब यह परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और बस सो गया। तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आदम हवा के पास नहीं गया, लेकिन परमेश्वर खुद हवा को आदम के पास ले गया। ये बातें आदम को पता भी नहीं थी, क्योंकि हवा उसे तब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तब तक हवा उससे उसके साथ उसके जीवन में आई नहीं थी। अब परमेश्वर ने हवा को उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दिया। तब आदम कहता है कि अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आदम की सोच बहुत अच्छी है। जब परमेश्वर ने फाइनली हवा को आदम के जीवन में इंट्रोड्यूस किया, ही कॉल्ड हर ईव, हवा मेरा सहायक। अब ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। शी इज माइन। कई बार हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं अपने जीवन में। आज के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत तेरे विवाह हो रहे हैं और उसके साथ ही बहुत तेरे डाइवोर्सेस भी हो रहे हैं, बहुत तेरे घर टूट रहे हैं और बहुत सारे जीवन नष्ट हो रहे हैं। ये मसीहियों के साथ ही हो रहा है, बाकी चीजों के बारे में बात करने से बनिस्बत मैंने सोचा इस विषय पर ही बात करूं। द बिग पिक्चर, मैं अपने मैसेजेस को कभी टाइटल नहीं देता, लेकिन इस मैसेज का भी मैं टाइटल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस मैसेज को टाइटल दूंगा तो वो मेरी सोच में संकीर्ण हो जाएगी, उस सोच में ढल जाएगी ना। देर आर सम थिंग्स जो हमारी सोच के परे हैं, जो हमारी समझ के परे हैं, जिन बातों के लिए हमारा मन तैयार नहीं है। परमेश्वर ने हमें हर चीज से इंट्रोड्यूस करने से पहले ही हमें एक प्रोसेस से गुजरना सिखाया है आज के इन वचनों के द्वारा, कि परमेश्वर एकदम से कोई चीजें हमारे जीवन में यूं ही नहीं लाते हैं। देयर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। हमें एक प्रोसेस से जाना है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किया था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से वार्तालाप करते हैं,
ही स्टार्ट्स विद अ बिग पिक्चर, लेकिन नहीं, और उस बिग पिक्चर से पहले ही प्रभु यीशु मसीह हमें एक उनको एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहना, यरूशलेम में ही रेस्ट करना, उसके बाद तुम सामर्थ पाओगे। जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे तब तक तुम यरूशलेम में ही रहना। वो ही वार्तालाप जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा किया, जो वार्तालाप किया, वो ही वार्तालाप उत्पत्ति में भी परमेश्वर ने आदम के साथ किया। वो वार्तालाप नहीं था बट परमेश्वर ने आदम को एक प्रोसेस से गुजारा, वेर ही लर्न्ड स्टेप बाय स्टेप अबाउट एवरीथिंग। जब परमेश्वर ने आदम को अदन से इंट्रोड्यूस करवाया, अदन की वाटिका से इंट्रोड्यूस कराया, तो आदम ने अदन की वाटिका में के बारे में जाना। जब वो अदन की वाटिका के बारे में जान गया तब परमेश्वर भिन्न भिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों और बनाले पशुओं को अदन आदम के जीवन में लेकर आया। जब आदम उन लोगों से, उन पक्षियों से फैमिलियर हो गया तब परमेश्वर हवा से इंट्रोड्यूस कराया। आइए हम इस वचन की अंतम के अंत की ओर जाएंगे और मैं इस वचन को खत्म करूंगा जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय और उसकी छठवीं आयत से, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। नवी आयत, परंतु जैसा लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। और हमें सिर्फ उन बातों पर ध्यान लगाना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन करता है, हमें दिन प्रतिदिन सिखाते हैं और दिन प्रतिदिन अपनी महिमा में चलाते हैं। हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी कि परमेश्वर के उस राज्य में हम कैसे, उस बिग पिक्चर को सोचने से पहले जो हमारी सराउंडिंग्स हैं हमें उसके बारे में उसमें जीने की आवश्यकता है। वी गॉड जस्ट वॉन्ट अस टू लिव इन दैट मोमेंट ओनली। हम चिंता करके उस मोमेंट को कहीं ना कहीं इस भागदौड़ की जिंदगी में खो देते हैं। हम भागदौड़ करते रहते हैं, करते रहते हैं, अपने परिवार को हम दरकिनार कर देते हैं, अपने जीवन साथी को हम दरकिनार कर देते हैं, हम सब चीजों को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, हम स्थिर हो जाएं, ताकि जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं हम उसमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए।
परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, जो वचन आपने मेरे जीवन में डाला, जो मेरे मन में डाला, वो वचन मैंने आपके लोगों के बीच में बो दिया। परमेश्वर पिता, ये आपका काम है कि परमेश्वर पिता ये वचन बहुतायत से कार्य करने वाला हो सके, ताकि बहुत तेरे लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाने पाए। हे परमेश्वर पिता, जो इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर पिता, उन सबों को बहुतायत की आशीष दीजिए। और परमेश्वर पिता, जितने भी इस लाइव सेशन के बाद जो सुनने वाले हैं, उनमें से हर एक को बहुतायत की आशीष दीजिए, ताकि परमेश्वर पिता वे आपकी निकटता में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, और आपके उस प्रेम को और उस उन गूढ़ बातों को जो आप हमसे दिन प्रतिदिन करते हैं, उन बातों में वे और आगे बढ़ते जाएं। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। पास्टर अनुपम डेविड जी और उनकी वाइफ, उनके बच्चों को, उनकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर पिता हम आपके चरणों के पास लाते हैं, और आपका आशीष भर हाथ उनके जीवन पर मांगते हैं, ताकि जब वो इस मिनिस्ट्री के कार्य को करते हैं तो परमेश्वर पिता उन्हें किसी भी बड़ी वस्तु की घटी ना होने पाए, और परमेश्वर पिता वे चिंता मुक्त होकर जो सेवा का कार्य है वो करने पाए। परमेश्वर पिता, तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर पिता तमाम बीमार को फिर से आपकी हुजूरी में लाते हैं। परमेश्वर पिता, कल का जो दिन है, जो आपने विश्रामवार हमारे लिए ठहरा है परमेश्वर पिता, उसमें हम बहुतायत का विश्राम पाने पाए, और परमेश्वर पिता आपके भवन में जाकर आपके नाम की महिमा और आपके नाम की मनादि करने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, इस रात्रि के पहर में लेकर आए, तो रात की मीठी नींद दीजिए, अगर आपकी मर्जी हो तो घर कल का भोर का प्रकाश हमें फिर से दिखाइए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे, आमीन।